पानी ले जाओ फिर खाना बनाओ। अरे अरे बाप रे, सावरी रुक, वही रुक, अंदर कहाँ आ रही है? भूल गई क्या? ये कुआं तेरी बस्ती के लोगों के लिए नहीं बना है, चल जा नदी से पानी भर के ला। काकी आज थोड़ा पानी। खबरदार जो अंदर आई, इसकी परछाई भी पड़ी ना तो कुआं दूषित हो जाएगा, चल जा यहाँ से। मेरी आई बीमार है, जल्दी पानी चाहिए, आप निकाल कर दे दो, मैं दूर से ही ले लूंगी। नौकरानी समझती है तू हमें? पानी निकाल के दे तुझे, चल जा यहाँ से। भीख मांगती हूँ काकी, आई को पानी चाहिए। एक बार फिर से सोच लो साई, गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जो जात पात को मानते हैं। हमारी बस्ती की मिट्टी से रामलला की मूर्ति बनाने वाली बात अच्छी नहीं लगेगी लोगों को। समाज में बदलाव लाने के लिए सोच बदलनी जरूरी है, और सोच बदलना मुश्किल काम है। विरोध होना तो स्वाभाविक है, लेकिन विरोध के डर से हम पीछे हट गए तो हालात कभी नहीं बदलेंगे, समाज में कभी सुधार नहीं आएगा। समाज को सोचने पर मजबूर करना होगा, समाज को आईना दिखाना होगा। इस लड़के की हिम्मत तो देखिए गंगाधर जी, अंदर आने वाली थी वो भी कुएं से पानी लेने के लिए। अच्छा हुआ इस लड़की ने पैर अंदर नहीं रखा, तो इसकी टांगे तुड़वा देता। इस मूर्ख को इतना भी पता नहीं है कि बस्ती वालों की परछाई भी यहां नहीं पड़ सकती है? देख क्या रही है, एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, चल निकल भाग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.